जय गुरु जी, सभी संगत को शुक्राना गुरु जी एंड शुक्राना अमिताभ अंकल फॉर पुटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन कनेक्ट विद मैक्सिमम संगत, यू नो. एंड इसी तरह हम अपनी वही जो बिछड़े हुए संगत है या जिनसे हम कभी रूबरू नहीं हो पाते हैं, इसी बहाने से हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. और ये सब गुरु कृपा से होता है कि हमको इतना बड़ा परिवार, इतना विशाल परिवार गुरु जी ने दे दिया है और जो हर मतलब दुनिया के हर कोने में उपस्थित है. और जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी का गुरु जी से सोल कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है. वो एक जन्म पर निर्धारित नहीं है. पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और ये हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हम उन चंद छोटे से आप सोचिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल है हम सब और गुरुजी हम पे कृपा बनाए हुए हैं. मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कैसे कि हम गुरुजी से कैसे मुलाकात हुई. दिस वाज इन ईयर 1995 एंड टू बी प्रिसाइज इट वाज 30th नवंबर 1995. जो मुझे इनफैक्ट याद नहीं था बट मेरी मम्मी डायरी मेंटेन करती हैं तो उन्होंने मुझे ये तारीख बताई. सो दैट टाइम गुरुजी जालंधर में थे. जालंधर का मंदिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी संगत शायद गई भी होगी. तो वो भी किसी का एक घर था जो गुरुजी का मंदिर था जिसमें आप जाते थे और डिफेंस कॉलोनी में वो है तो वहीं मिलते थे. तो हमारा कैसे कनेक्शन हुआ, सबसे पहले मेरा बड़ा ब्रदर गुरुजी के पास गया, वो भी किसी संगत के साथ जैसे वो कोई लेके जाते हैं. और उस टाइम बहुत कम संगत होती थी. आप सोचिए कि एक ड्राइंग रूम में जितने लोग आ जाते हों, 50, 60, 100 संगत और होती होगी बट एट अ टाइम देयर यूज्ड टू बी अबाउट 50, 60, 70 ऑड पीपल अनलेस देयर वाज अ बिग फंक्शन. सो गुरुजी ने मेरा भाई उनके पास गया और गुरुजी तो सब पे कृपा करते हैं, उनके हुक्म के बिना हम कोई उनके पास जा भी नहीं सकते. तो गुरुजी ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपके मम्मी डैडी का क्या नाम है, कौन है. तो ब्रदर ने बताया कि जी मेरे डैडी का ये नाम है और मम्मी का ये नाम है. तो गुरुजी ने बोला कि आप ना उनको लेके आना. तो मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं एंड वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली जिसमें अब तो ये सब सभी को मालूम है कि गुरुजी तो साक्षात भगवान है. मतलब क्या धर्म, क्या ईमान, मतलब सब सबके गुरु भगवान महाशिव गुरुजी हैं. लेकिन उस समय हम जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से या जिस कल्चर से आते हैं तो उस टाइम सिख धर्म में सिवाय गुरु ग्रंथ साहब के हम किसी को मानते नहीं एंड देर इज नो आइडल वर्शिप. आप देखेंगे कोई मूर्ति या कोई वो नहीं होता वहां पे. तो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे ब्रदर को कि मम्मी डैडी को मैं किस तरह बताऊंगा. जबकि ही वॉज मैरिड, ही हैड टू चिल्ड्रन ऑल्सो, बट फिर भी थोड़ा सा एक शर्म थी कि मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहाँ गया हूँ, कोई संतों के पास गया हूँ. तो उन्होंने बड़ा डरते डरते मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसे एक गुरुजी हैं जालंधर में और उन्होंने आप लोगों को बुलाया है. सो माई मम्मा मदर टुक इट वेरी पॉजिटिवली. उन्होंने बोला जरूर अगर कोई महापुरुष बुला रहे हैं तो हमें मिलने में हर चीज क्या है, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना. तो ये सोच के मम्मी डैडी गुरुजी के पास पहुंचे. गुरुजी को अब हर इंसान को पहचानते हैं उसकी क्योंकि वो सोल को पहचानते हैं. तो मेरे डैडी ही वाज अ वेरी अपराइट मैन बट वो ज्यादा कुछ सुपरस्टिशंस या उस तरह से नहीं बिलीव करते थे. मन से अच्छे, मतलब जैसे आप गुरुजी कहते हैं कि मन चंगा था सारा कुछ चंगा. सो मन से बहुत अच्छे इंसान बट ही डिडंट बिलीव कि रोज मुझे गुरुद्वारे जाना है या रोज मुझे ये करना है, वो वैसे नहीं थे. तो गुरुजी ने उनकी सोल को नेचुरली पहचाना और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने गुरुजी ने मेरे डैडी को ब्लेस करा विद डिवाइन प्रसाद, यू नो विच वॉज अ ह्यूज पिन्नी प्रसाद. और डैडी के पास डैडी को बुलाया और उनके हाथ में वो रख दिया और डैडी कहने लगी कि वो इतना गर्म था कि मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में करते जाऊं कि अरे इतना गर्म, जैसे बहुत ही जैसे किसी ने सीधा कढ़ाई में से निकाल के रख दिया हो. खैर एनीवे गुरुजी ने बोला और उसमें बहुत ज्यादा खुशबू,
जो आप बहुत संजत ने महसूस भी की होगी कभी, कि उसमें जैसे बहुत गुलाब टूट टूट के डाल दिए हो, तो ऐसी उसमें खुशबू। तो गुरु जी ने बोला सारी संगत में बांट दो और 1/3 आप अपने लिए रख लीजिए, और जब भी आपको कोई जरूरत हो, कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े तो इसको आप इस्तेमाल करिए। तो फिर उसके बाद गुरु जी ने पूछा, देन ऑल्सो इट हैपन टू बी कि गुरु जी माई डैडी वॉज इन पंजाब गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनका ऑफिस होता था हेड ऑफिस सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़। तो डैडी यूज टू गो देयर वंस इन अ वाइल एंड गुरु जी ऑल्सो यूज टू गो मीट समवन देयर इन हिज ऑफिस। और क्योंकि गुरु जी तो पहचानते हैं डैडी को, तो डैडी ने गुरु जी को देखते बोला कि गुरु जी आप तो वहां आते हैं किसी को ऑफिस में मिलने। कहते हाँ हाँ मैं आंदा सी। एंड देन ही सेड कि अच्छा वो फलाना फलाना उत्थे सिरा ओदा की हाल है। तो एक आध ऐसे थे, डैडी ने बोला गुरु जी होता रब नू प्यारे हो गए, दे आर नो मोर। सो देन ही आई मीन ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग के ये मैं इधर आता था, ये है वो है। एंड ऑल्सो डैडी रिमेम्बर्स के गुरु जी वॉज वेरी यंग ऑब्वियसली दैट टाइम, और वो कुछ ना कुछ मिरेकल्स करते रहते थे। तो पंजाब में एक टर्म यूज करते हैं कमला। कमला डजंट नेसेसरली मीन अ पर्सन हुज आई मीन नॉट ही इज नॉट अ स्टूपिड और अ बैड मैन, बट एक जनरली हम बोलते हैं ना नहीं मैं कमली हुई, मतलब किसी ऑब्सेशन के लिए भी हम कमले वर्ड यूज करते हैं। तो सब लोग बोलते थे कमला जहा बंदा आंदा है पता नहीं की करता रहता है, यू नो दैट वॉज रेफर्ड टू गुरु जी। सो दैट इज हाउ डैडी रिमेम्बर्स हिम। सो एनीवे देन गुरु जी ने उनको प्रसाद दिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके घर में आपके बच्चे कितने हैं। वी हैव 5 ब्रदर सिस्टर्स एंड उस टाइम हम वी वर ऑल मैरिड एंड ईच वन ऑफ हैड आई थिंक 1 चाइल्ड एट लीस्ट। सो गुरु जी ने बोला कि ऑफ ऑल द चिल्ड्रन सबके नाम बताए। गुरु जी ने गुरु जी को बताए गए कि ये मेरी बेटी है उसके हस्बैंड का नाम ये है, मेरा बेटा है उसकी वाइफ का नाम ये है। इसी तरह उन्होंने मेरा बताया यू नो क्रोनोलॉजिकली कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 एंड आई एम नंबर 4 इन माई हाउस। सो उन्होंने बोला अच्छा डॉली शमी नु बुलाओ ऑफ ऑल द पीपल। सो उन्होंने क्या सत वचन गुरु जी विल टेल देम। अब उस समय माई हस्बैंड अंकल शमी अंकल वॉज रीडिंग न्यूज ऑन दूरदर्शन। सो उन्होंने बोला ठीक है हम उन्हें बता देंगे। तो मम्मी वॉज वेरी एक्साइटेड, वो हमें रोज नई स्टोरी बताते थे, गुरु जी उनको बुलाते रहते थे। आई थिंक एवरी वीक और वंस और ट्वाइस अ वीक दे यूज टू विजिट गुरु जी, और गुरु जी उनको बहुत ऐश कराते थे संगत को, ये आपने सबने सुना भी होगा। वो कहीं भी जाते थे अकेले नहीं जाते थे, किसी के घर जाना, कोई शादी में जाना, कोई फंक्शन में जाना, सम स्कूल ओपनिंग, तो वो अपनी संगत को साथ लेके चलते थे और बड़ी ऐश कराते थे, खिलाते पिलाते लाइक अ पिकनिक। सो वो मम्मी डैडी को तो रेगुलरली उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब जितनी बार मम्मी डैडी जाए गुरु जी बोले डॉली शमी नु बुलाओ, डॉली शमी नु बुलाओ। एंड टू द एक्सटेंट के इट बिकेम एम्बेरसिंग फॉर माई मदर कि गुरु जी हर बार पूछते हैं एंड वी हैव नो आंसर टू गिव। और हमने भी ये सोचा ठीक है कभी चल देंगे यू नो जब उधर मोटरा बना तो विल गो यू नो स्पेशली गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, आई मीन फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर वॉज लाइक एन एफर्ट दोज डेज। सो हमने बोला कभी उधर मोटरा बना तो चले जाएंगे। तो देन गुरु जी ने रिपीटेडली मम्मी को बोला कि वो डॉली शमी नू बुलाओ। तो देन मम्मी सैड गुरु जी असी तो उन्होंने बुला बुला के थक गए हैं, हुण तुसी आप ही बुला लो। सो दैट वॉज इट, गुरु जी का हुक्म हुआ हमें मनी मन में, नेचुरली हमारे मन में आया कि गुरु जी बुला रहे हैं तो वी मस्ट गो। सो हम लोग जलंधर पहुंच गए एंड द फास्टेस्ट वे वॉज लाइक दोज डेज वॉज गोइंग बाय ट्रेन। सो हम लोग ट्रेन से वहां पहुंच गए। अनदर सिस्टर ऑफ माइन हु लिव्स इन नोएडा शी ऑल्सो एकम्पनीड अस। तो हम लोग एंड माई सन वॉज वेरी स्मॉल आई थिंक 2-3 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, 3-4 ईयर्स या। सो हम लोग वहां पहुंच गए और जैसे हम स्टेशन पे पहुंचे मम्मी डैडी हमें गुरु जी के मंदिर में ले गए। वहां हम पहुंचे जैसे सुबह का वक्त था 11 बजे, कोई संगत बहुत कम थी एंड गुरु जी वॉज इन हिज बेडरूम। सो गुरु जी आई फेल्ट थर्स्टी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना प्यास लग रही है। तो मम्मी ने बोला चल मैं चलती हूँ तेरे साथ किचन में। मैंने कहा नहीं नहीं यू डोंट गेट अप, आई विल गो गेट माय वाटर, अपने आप चली जाऊंगी, मुझे आप बता दो कहाँ है। उन्होंने बोला इस तरफ जाके राइट में है। सो आई वेंट टू द किचन, वहां पे कोई नहीं था एंड आई हैड वाटर एंड केम आउट। जैसे मैं किचन से बाहर निकली गुरु जी अपने बेडरूम से बाहर निकले।
And there was a lobby linking both the bedrooms to the kitchen and the drawing room. So Guruji bahar nikle aur maine chutke Guruji ke paav chue because maine to unka swaroop dekha hua tha. To unhone mujhe, he smiled and he said, Dolly, aaj hi tum. And that was it. I started looking around ke mere saath to koi hai nahi. Main introduce bhi nahi hui Guruji se, to how does he know my name? तो एनीवे हम लोग जाके वहां बैठे, गुरुजी अपने आसन पे बैठे, हम लोग भी बैठ गए. देन माय मदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरुजी के, गुरुजी ए मेरी बेटी है डॉली. हाँ हाँ मैंने पता है डॉली बड़ी चंगी कुड़ी है. सो आई सेड हाँ गुरुजी माय ऑफिशियल नेम इज दीपिंदर कौर एंड आई हाँ 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 बड़ी वधिया कुड़ी है. सो देन दे इंट्रोड्यूस शमी ऑल्सो टू हिम गुरुजी. देन गुरुजी आस्ट आस्ट ये व्हाट डू यू डू. So Shami uncle said ke Guruji main khabra padhta hai. So then you know like aap koi social visit kisi ko dete hain to unhone he started talking on current affairs, politics, you know jaise it normal aap conversation karte hain. And uske baad he asked me what do you do. So mummy ne bola Guruji ek Gandhi hai. Kehne acha chal fir suna de kuch. Now I was taken aback because हमें कुछ मालूम ही नहीं था उस समय. अब तो लाइक एक एक बच्चे को एक एक टन को मालूम है गुरुजी के बारे में. सो आई वाज टेकन अबैक कि अरे मैंने इधर जाना भी जाना था, मैं तो कुछ डायरी वायरी कुछ लेके नहीं आई. तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं ले आई और मेरे सारे शब्द ऑब्वियसली आई वुड सिंग शब्द और भजन इन फ्रंट ऑफ हिम तो मेरे तो सारे उसमें एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम बाय हार्ट. ही सेज डजंट मैटर आप कुछ भी सुना दो. तो आई स्टार्टेड सिंगिंग. मैंने जैसे कोई मेरे मन में जो शब्द आया कुछ सुनाया, जैसे एक अंतरा सुना दिया, साई सुना दी, फिर दूसरा शब्द सुना दिया, आधा इनकम्प्लीट ऑल ऑफ देम. एंड बट गुरुजी केप्ट ऑन सेइंग होर सुना दे होर सुना दे. सो अल्टीमेटली आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई सेड गुरुजी हुण तां मैनूं सिर्फ फिल्मी गाने याद है, कहिंदे तूं ओही सुना दे. So that was his way of connecting because, you know, he understood, like we all know, music is very divine, very pure. In fact, we always say, it's God's blessing. I feel on, very modestly, I'll tell you that I feel very blessed. I have such a beautiful blessing given to me by Guruji, you know, which is not everybody's, not everybody is, you know, given that. Although everybody loves to listen to music. But you know, आप एक voice में एक natural जो आना, natural voice मिलना is a rare, rare blessing. And which I feel this is only because of blessing that you can have this. So I felt very blessed. Then of course क्या है मेरे husband जो शमी uncle हैं, उन्होंने उससे पहले बोला कि मुझे कोई briefcase मिल जाएगा. Why? Because वो बहुत अच्छी beat देते हैं, संगत करते हैं on you know any object. It can be wooden table or a briefcase or something which makes a sound. To wo uske sath mere sath tabla us tarah bajate the. So unhone bola ki mujhe kahin se briefcase mil jaye na. So he started playing and I started singing. So this went on for quite some time. After that normal age jaise hum बैठे हम लाइक आप सोचिए हम 11 बजे बैठते थे और हमें अक्सर रात में 12-1 बजे गुरुजी छुट्टी देते थे और उसमें चाय के कितनी बार राउंड्स चल रहे हैं, लंगर भी आ रहा है, लंगर स्प्रेड हो जाता था सेंटर में जैसे आप देखते थे एक मैट सा चटाई टाइप बिछ जाता था एंड 4-4 पीपल यूज टू शेयर एंड गुरुजी अपने हाथ से हमें रोटी परोसते थे. इमेजिन मतलब हम आई फील कि हमको कितना कुछ गुरुजी ने दिया है और हमने उस चीज की वैल्यू नहीं करी उस टाइम बिकॉज वी नेवर looked upon him कि he what he is. हम उस तरफ देख ही नहीं पाए और शायद अभी भी नहीं पहचान पा रहे कि गुरुजी क्या है. हमारी नजर ही इतनी छोटी है कि हमारी वहां तक नजर ही नहीं पहुंचती. So that is how it happened. And then I had a problem. I had fibroids in my uterus, which is like it's a kind of a growth which is not malignant. So मुझे जब my son was born तो मेरे doctor ने बोला था कि आप ना अपना दूसरा चाइल्ड जल्दी प्लान कर लेना बिकॉज आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं. सो मैंने कहा बट डॉक्टर आई सेड व्हाट इज इट. शी सेज दे आर लाइक स्मॉल ग्रोथ एंड न्यूमरस काफी सारी हैं. तो आई सेड आपने निकाला नहीं. कह रही नहीं हम निकालते नहीं बिकॉज वो वापस ग्रो कर जाते हैं. द ओनली मेथड इज
यू फिनिश योर फैमिली फास्ट और उसके बाद हम यूट्रस रिमूव कर देंगे. सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ यू नो गेटिंग सम ऑपरेशन डन बिकॉज मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी टू हैव माई चाइल्ड बिकॉज आई वॉज ऑन टोटल बेड रेस्ट फॉर 9 months एंड आई हैड सो मेनी मिसकैरेजेस और इसके लिए आई वॉज ऑन टोटल बेड रेस्ट. सो मुझे वो दैट यू नो आइडिया ऑफ गोइंग टू अ डॉक्टर अगेन एंड गेटिंग ऑपरेटेड वॉज वेरी वेरी ट्रोमैटिक. तो मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर रही. तो आई डोंट नो व्हाई गुरु जी की शख्सियत ही ऐसी थी. मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरे तो फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस में. कहते अच्छा चल मैं तेरा हूने ऑपरेशन कर देना है. नाउ अगेन आई गॉट वेरी स्केयर्ड कि मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाना तो अवॉइड कर रही थी. अब ये गुरु जी हैं ये क्या करेंगे. ही इज नॉट इवन अ डॉक्टर व्हाट इज ही गोइंग टू डू. सो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो पान के पत्ते मंडरा लीजिए 51 rupees के एंड आई विल डू योर ऑपरेशन. अब मुझे ये कॉन्सोलेशन था कि माई फैमिली वॉज देयर माई हस्बैंड वॉज देयर माई फादर वॉज देयर माई मदर वॉज देयर माई ब्रदर वॉज देयर. सो एवरीबडी इज देयर तो नेचुरली कुछ ऐसा नहीं होगा एंड आई वॉज केयर ऑफ दैट. सो मेरा ब्रदर वो पान के पत्ते ले आए. उसके बाद गुरु जी ने मुझे बोला एक रूम था कि आप इधर चाहिए. आई वेंट टू दैट रूम सो देवर 2-3 more आंटीज देयर. सो दैट वॉज अनदर लाइक रिलीफ के कोई है वहां पे. और तो मैं वहां गई तो मैं लेट गई तो गुरु जी ने आई अंदर और मैंने थोड़ी सी अपनी शर्ट ऊपर उठाई तो गुरु जी के पास एक स्पून था चम्मच हा? बहुत लंबा उसका हैंडल था. और गुरु जी ने मुझे नहीं पता एक जगह पे प्रेस करा दबा के कहते इतने दर्द है. मैं कहा हाँ जी गुरु जी. तो गुरु जी ने उस पे फिर मेरे सारे पान के पत्ते स्प्रेड कर दिए उस जगह पे मतलब टोटल स्टमक पे. तो उन्होंने बोला चल तेरा हो गया ऑपरेशन. तो आई वॉज वेरी सरप्राइज ये क्या हुआ. यू नो यू डोंट बिलीव बिकॉज यू नो यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन रीजनिंग करते हैं आप. हमने बोला पता नहीं क्या करा है. खैर एनीवे गुरु जी ने बोला कि इसको ना अभी थोड़ी देर अंदर लेटो देन ही टोल्ड सम आंटी कि टेल हर टू कम आउट और इसको आप जल प्रवाह कर देना किसी चलते हुए दरिया में उसमें डाल देना. सो व्हाइल गोइंग बैक टू चंडीगढ़ आप रास्ते में आता है सतलुज का भी आता है तो देन ब्यास का आता है देन भी हमने उसमें उसको बहा दिया. उसके बाद सेकेंड टाइम अगेन वी वेंट तब हम दिल्ली से गए सीधा मम्मी वगैरह वहां से ज्वाइन कर गए और उन्होंने बोला कि तेरा ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा. सो द सेम प्रोसेस वॉज रिपीटेड अगेन एंड देन गुरु जी टोल्ड मी कि जाके ना जा बाहर जाके सैर कर लिया. सो आई वेंट आउट बाहर सैर कर लिया आ रही एंड देन ही टोल्ड मी चल बनाता तेनू 16 साल दी जवान जाके अल्ट्रासाउंड करा ली तेरा क्योर हो गया. आई स्टिल डिडंट टेक इट सीरियसली कि मैंने कहा ठीक है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई वॉन्ट गो टू द डॉक्टर. सो दिस काइंड ऑफ वेंट ऑन मतलब आप ये सोचिए कि उसके बाद गुरु जी चंडीगढ़ में आए चंडीगढ़ के बाद वो एम्पायर स्टेट आ गए तब तक भी मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था. सो वंस आई वेंट आई हैड अ प्रॉब्लम यू नो सम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा. सो आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई टोल्ड हर कि डॉक्टर मेरे आई हैड फाइब्रॉइड्स एंड इतने साल मुझे कुछ नहीं हुआ बट अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो उसने बोला ठीक है मैं आपका अल्ट्रासाउंड करती हूँ. शी डिड माई अल्ट्रासाउंड शी स्कैंड कम्प्लीटली थॉरली अप एंड डाउन. शी सेज योर यूट्रस इज क्लियर देर इज नथिंग देर इज ओनली अ ट्रेस के शायद कुछ था बट देर इज नथिंग. सो आई सेड ओ वेरी गुड. सो देन आई केम टू गुरु जी देन आई टोल्ड गुरु जी कि मैं अल्ट्रासाउंड करा लिया गुरु जी और उन्होंने ये किया. सो देन यू नो सो गुरु जी ने अच्छा वहां एक और हम बात नोटिस करते थे गुरु जी ऐसे किसी भी संगत को बोल देते थे जिसका उन्होंने कल्याण किया था उसको बोलते थे चल उठ के सुना तेरा गुरु ने जिवें ऑपरेशन किया. यू नो दोज डेज वी यूज टू क्वेश्चन एवरीथिंग वी यूज टू वंडर कि गुरु जी ये क्यों करते हैं. बहुत लोग बोलते थे मन में भी डाल देते थे कि गुरु जी अपनी पढ़ाई खुद करना चाह रहे हैं या क्या है. बट यू नो यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इवन वाइल आई एम नरेटिंग दिस सत्संग बहुत लोगों को एक आंसर मिल जाता है यू नो रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम का ऐसा हल हो सकता है. हर किसी को कोई ना कोई जैसे हर शब्द में संगत को कोई ना कोई जवाब मिलता है जो हम सीधा उनसे बात नहीं कर सकते दैट वी गेट थ्रू इट. सो एनीवेज इसका कनेक्टेड मैं एक और चीज बताना चाहूंगी. दिस हैपेंड इन 95 एंड जब गुरुजी ने चोला छोड़ा इन 2007 सो दैट ईयर
मतलब आप सोचिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर मुझे प्रॉब्लम होने शुरू हो गई अजय। आई आई यूज टू हैव वेरी हैवी ब्लीडिंग और सो मच सोचिए मेरा हीमोग्लोबिन भी लो चला गया एंड आई यूज टू फील वीक एंड टायर्ड और वो बंद नहीं होती थी। तो देन डॉक्टर्स हैड टू गिव मी मेडिसिन टू स्टॉप इट इन जनवरी 2008। मतलब इतना सिवियर हुआ कि डॉक्टर सेज आई हैव टू ऑपरेट यू बट योर हीमोग्लोबिन हैज गॉन डाउन, तो मुझे पहले पूरा करो ये तभी मैं आपकी सर्जरी करूंगा। सो एनीवे अ डेट वाज फिक्स्ड फेब्रुअरी फर्स्ट वीक आई वाज ऑपरेटेड एंड फॉर सम रीजन यू नो दिस डॉक्टर हुम आई वेंट टू उन्होंने हिस्टरेक्टमी करी लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनयूजुअल मेथड मेरे लिए लिया। उन्होंने बोला मैं तुम्हें कोई कट नहीं दूंगा, इट वॉन्ट बी अ ओपन सर्जरी, इट वॉन्ट बी अ थ्रू लैप्रोस्कोप, मतलब ये दोनों होंगी नहीं, जनरली ये दो सर्जरीज होती हैं, बट आई डू इट इन अ मैनर विच इज लाइक लीस्ट, उसमें आपका कोई कट नहीं आएगा, आई डू इट फ्रॉम बिलो विच इज वेरी रेयर, वेरी 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 फ्यू डॉक्टर्स आर कॉम्पिटेंट टू डू दिस बिकॉज इसमें डॉक्टर्स की बहुत एफर्ट लगती है। इट इज वेरी इजी फॉर अ डॉक्टर टू कट ओपन एंड डू द सर्जरी एंड इवन अ लैप्रोस्कोप, बट फॉर दिस यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी एफिशियंट डॉक्टर एंड पेशेंट। तो ही सेड कि नहीं आई विल गिव यू बिकॉज आई विल नॉट गिव यू अ कट। सो ही डिड द सर्जरी, आई हैड नो प्रॉब्लम, इनफैक्ट आई हैड नो पेन आफ्टर दैट। अब वो भी अब हम हर चीज तो सोचते हैं ना कि गुरु जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आफ्टर द सर्जरी वॉट हैपन कि मेरे थाइज यू नो माई अपर लाइक थाइज वो नम हो गए, जैसे देर वॉज नो सेंसेशन एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि ये क्या हो गया। इनफैक्ट डॉक्टर ऑल्सो गॉट स्केयर्ड, उन्होंने एक न्यूरोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट लाए थे उसको चेक करने के लिए कि मेरी नर्व्स में कुछ डैमेज तो नहीं हो गया यू नो। एंड बट नाउ आई इफ यू थिंक ऑफ इट दैट वॉज बिकॉज आई डिडंट एक्सपीरियंस एनी पेन सिंस देवर नम एंड मैंने कोई आई डिडंट टेक अ सिंगल पेन किलर आफ्टर द सर्जरी। इट वॉज अ नॉर्मल एंटीबायोटिक कोर्स ऑफ 7 days और 10 days विच आई टुक एंड एवरीथिंग क्योर्ड ब्यूटिफुली, कहीं कुछ नहीं था। आप इसको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो जो दर्द नहीं हुआ मुझे, इतना मेजर सर्जरी था, दैट वाज बिकॉज ऑफ गुरुजी'स ब्लेसिंग एंड आल्सो सिंस ही हैड ऑलरेडी डन माय सर्जरी यू नो अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड डन द सर्जरी सो देयर वाज नो कट ऑन माय स्टमक व्हाटसोएवर बिकॉज डॉक्टर वाज ओनली अ मीडिएटर, उन्होंने सिर्फ उस पार्ट को निकाला विच वॉज गिविंग मी ट्रबल, जिससे मेरा आई यूज टू फॉल सिक एंड आई यूज टू गेट फीवर, आई यूज टू गेट आई मीन इट वॉज बैड। सो उन्होंने वो पार्टी निकाल दिया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो वंस गुरु जी की ब्लेसिंग, वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि गुरु जी ने अगर आपको एक बार ब्लेस करा है तो वो ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगे, हम चाहे भूल जाएं, हम बहुत ही बेवकूफ हैं और आई थिंक हम लोगों की बुद्धि भी उतनी सीमित है कि हम शायद ये सब चीजें भूल जाते हैं, बट लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज ओ दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर ओन यू नो एफर्ट्स और योर, बट इट इज गुरुजी हु इज डूइंग एवरीथिंग। सो दिस इज वन इंसिडेंट एंड देन आई विल आल्सो कम टू वेरी स्वीट इंसिडेंट्स जो गुरुजी करते थे। इट टू शमी अंकल जब भी मत्था टेकते थे गुरुजी मजाक करते थे, कहते थे अरे जोरू का गुलाम, या ही यूज्ड टू टेल हिम love marriage, he used to call him love marriage, that was his name, and he used to call me Dolly, he never called me Dolly auntie, he always called me Dolly, and he also used to address me ki ye meri Lata Mangeshkar hai, you know, bade pyar se, because every time I would go there, he would tell me, chal bae ja, suna de akhiyan ch tu basta, apne joru de gulam nu kya tabla vajauga, this is how he used to address us. I think that was also for a reason ki hum log वैसे बेवकूफ बने रहे, नहीं तो हम तो उनको मतलब बिल्कुल छोड़ते ना, अगर हमको उनका पता लगता कि गुरुजी क्या है तो हम तो उनके साथ चिपट जाते यू नो। सो दैट वाज आल्सो हिज वे एंड आल्सो मैंने सुना है कि बचपन में वो बहुत ही नटखट बच्चे थे और अक्सर उनकी माता जी उनको ढूंढती रहती थी कि कहाँ गए कहाँ गए, वो कभी बेड के नीचे छुप जाते थे यू नो, कभी उनको वो मिलते थे खेतों में बैठे, वो मेडिटेशन में चले जाते थे और उनको पता भी नहीं लगता था उनके आसपास पानी भर रहा है खेत में, पानी ऊपर तक आता जा रहा है एंड ही यूज्ड टू बी इन सच डीप मेडिटेशन कि उनको पता ही नहीं लगता था।
ऑल्सो अगर आपको एक और मुझे बात पता लगी थी, एक नवराज अंकल है चंडीगढ़ में जो गुरु जी की बहुत सेवा करते थे, वो गुरु जी के साथ ही रहते थे तकरीबन जलंधर में। ऑल्दो ही वॉज गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो कई बार गुरु जी को बोलते भी थे कि गुरु जी मेरी ना नौकरी छुट जानी है, तुसी मैनू जान ही नहीं दिंदे, मेरी छुट्टियां करांदे रहते हो। ही वुड से नहीं 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 नवराज तू इत्थे रह। सो ही टोल्ड मी फ्यू थिंग्स कि गुरु जी की माता जी की फिंगर्स में चार फैलेंजेस थे, हम सब के तीन फैलेंजेस होते हैं, अंगूठे में दो होते हैं, गुरु जी की माता जी की उंगलियों में चार फैलेंजेस थे। और ये कहते चार फैलेंजेस उन्हीं के होते हैं जिनकी कोट से कोई महापुरुष जन्मते हैं, यू नो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। ऑल्सो कई बार ऐसा होता था कि वो नवराज अंकल को बोलते थे कि चल मेरिया ना, तो उनको बोलते थे मनु मुट्ठियां मार मार के, ये कहते मुझे बोलते थे जोर जोर से दबा मुट्ठियां मार मेरे टांगों में थाइज में। और कह रहे मैं कई बार थक जाता था, इतना थक जाता था कि एक बार मैं बाथरूम में गया और वहीं सो गया, मतलब इतना थक गया मैं। और कह रहे गुरु जी तो रात को जाना था बाथरूम, और वो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता आवाज मारे नवराज नवराज नवराज, तो कहते मैं इतना थक गया था मैं अंदर सो गया। यू नो ही वाज, क्योंकि वो ह्यूमन चोला में थे तो ऑब्वियसली उनको ह्यूमन चोला का वो सारी चीजों को नेचुरली एक्सपीरियंस करना था जो जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्सो देयर वाज अनदर थिंग, क्योंकि वो जब लोगों को क्योर करते थे वो उनका दुख तकलीफ अपने ऊपर ले लेते थे, यू नो, और फिर वो बड़ी मुश्किल से, मतलब यहाँ तक सुना है कि एक बार उन्होंने किसी आंटी का या अंकल का थ्रोट कैंसर क्योर किया था। सो उनको इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया था उसका नेगेटिविटी का कि देन ही हैड टू जस्ट सडनली गो अवे, और वो मेडिटेशन कर करके उन्होंने अपना वो निकाला था। तो हमने ये देखा है कई बार हमें इतना दुख होता है कि बेचारे इतनी तकलीफ में होते थे, उनके टांगों में इतना दर्द होता था, और वो अक्सर बोलते थे कि जोर जोर से मेरी टांगे दबाओ, मेरा सर सर दबाओ, सर दबवाते थे, कंधे दबवाते थे, बिकॉज ही यूज टू हैव सो मच पेन। एंड और अच्छा अनदर थिंग, लोग उन दिनों में बातें भी करते थे कि वो आंटियों से टांगे क्यों दबवाते हैं, यू नो हमने भी कितनी बार दबाते थे गुरु जी की टांगे और बोलते थे और जोर से दबाओ। बट गुरु जी का कहना था कि कोई भी लेडी जब गुरु के पास आती है तो वो हमेशा पहले बोलेगी कि गुरु जी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे उनकी इनकम, ये सब खुश रहें, ठीक ठाक चले, और सब 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 पे ब्लेसिंग्स करो, और आखिर में वो अपने लिए मांगती थी। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी जो मेल गुरु जी के पास जाते हैं वो हमेशा बोलेंगे गुरु जी मेरी थोड़ी नौकरी अच्छी कर दो, मेरा बॉस दे नाल इस तरह हो जाए, मैं कार लेनी है, यू नो ही ओनली सीट्स मटीरियल थिंग्स, वेयर एज अ लेडी ऑल्सो सीट्स मटीरियल थिंग्स, बट उनको प्रायोरिटी हमेशा डिफरेंट होती है कि मेरा घर बिल्कुल सही रहे, मेरे बच्चे सही रहे, मेरे हस्बैंड सही रहे, एंड देन ऑफ कोर्स वो सही है तो मैं भी सही हूँ। सो दिस वॉज हिज रीजन ऑफ ब्लेसिंग लेडीज, एंड यूज टू टेल के आप दबाओ। ऑल्सो वो हर किसी को अपने पाँव को हाथ नहीं लगाने देते थे। कई बार हमने देखा है कोई दूर से संगत आ रही है मत्था टेकने के लिए, जब मत्था टेकते थे तो वो हाथ से इशारा करके उनको बोल देते थे कि डोंट टच, यू नो बिकॉज हर किसी की एक वाइब्रेशन होती है, यू नो सम पीपल आर वेरी वेरी पॉजिटिव, सम पीपल आर नॉट सो पॉजिटिव, तो वो हर किसी से हाथ नहीं लगवाते थे, बट वेरी स्वीटली, यू नो ही यूज्ड टू काइंड ऑफ जस्ट इग्नोर, जैसे हम मत्था टेकते थे तो तो ही यूज्ड टू लुक द अदर वे कि हाँ तू टेक ले, तो मैं तो लिटरली उनके पाँव पकड़ के, यू नो आई यूज टू टेक वो मत्था। सो यू नो आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड कि गुरु जी ने कितना प्यार हमें दिया है। अनदर थिंग आई विल टेल यू कुछ फ्यू इंसिडेंट्स कि एक बार गुरु जी जैसे सारी संगत को लेके जाते थे, ये शायद डिगरी पहुंचे अपने गाँव में, और उनको बोला कि रोटी प्रसाद तैयार करके रखना। सो वहां पहुंचे तो संगत बहुत सारी थी, और एक उनके पास जैसे कैसरोल होता है उसको एक पंजाबी में एक या गाँव में एक जूट का, उसको बोलते हैं छाबा, जूट का कैसरोल शेप में एक होता है जिसमें रोटी बना के रख लेते थे लोग कपड़े में रैप करके, तो उसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा 40-50 आ जाएंगी रोटियां, यू नो। सो गुरु जी कहीं गए, उन्होंने बोला कि चलो सारे रोटी प्रसाद खाएंगे और साथ में अचार, एंड गुरु जी उसमें से निकालते गए निकालते गए निकालते गए, एंड
किसी ने दो खाई, किसी ने तीन खाई, किसी ने एक खाया, एंड दैट दिन सीम टू फिनिश, एंड एवरीबडी ने, सब ने पेट भर के खाया, चाय प्रसाद पिया, अचार खाया, एंड वो पूरे का पूरा वही का वही, यू नो. एंड ऑल्सो एक बार जैसे वो डुडरी से पटियाला जा रहे थे, तो एक छोटा सा ढाबा आया, उसपे उन्होंने बेचारा एक बहुत ही, कोई उधर बैठा नहीं था, सुना सा एक ढाबा, वहां पे रोड के उन्होंने बोला कि यहाँ सारी संगत लंगर खाएगी. किसी ने पूछा, गुरु जी ये तो बेचारे के पास कुछ लगता नहीं, कहते नहीं यही खिलाए रहा हमें. एंड देन उस ढाबे वाला बड़ा खुश हो गया, फटाफट उसने मंजियां डाल दी, और वो ऐसी जगह पे मतलब उन्होंने अपना शुरू करा लंगर, और करते 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 उसने पूरी संगत को लंगर करा दिया. और फिर किसी ने पूछा कि गुरु जी आप कोई बड़े उस पर क्यों नहीं रुके, दिस इज नहीं, इसको जरूरत है, यू नो. गुरु जी को जिसका कल्याण करना होता था, और ताकि उसका वो एस्टेब्लिश हो जाए, और ऐसा गुरु जी करते थे. एक मैं आपको इंसिडेंट और बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. गुरु जी जैसे किसी का अबोहर में स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी थी, एंड अबोहर डिस्टेंस वाइज काफी है, अब तो बड़ी अच्छी रोड्स बन रही, हाईवेज बन रहे, उन दिनों में सिंगल रोड होती थी और काफी टाइम लगता था पहुंचने के लिए. एंड गुरु जी, एज एवरीबडी नोज, गुरु जी हैव ए क्रॉन्टेसा कार, और क्रॉन्टेसा कार में एवरेज बहुत कम होती है पेट्रोल की, आई थिंक 7-8 या कुछ ऐसा ही होगा. तो क्या हुआ कि डैडी ने बोला कि हम लोग तो टेस्टिंग स्टेज में रहते हैं हमेशा, कि ये ना गुरु जी, ये लोग जलंधर पहुंचे, मेरे मम्मी डैडी जलंधर में बुलाते थे गुरु जी कि आप इधर आ जाना, फिर हमने अबोहर जाना है. तो डैडी अपना ड्राइवर लेके गए थे, तो गुरुजी ने उसने गुरुजी डैडी ने बोला अपने ड्राइवर को कि तू ना गुरुजी के ड्राइवर का ना ध्यान रखना, ये कहीं से रास्ते में पेट्रोल ना डलवाए, क्योंकि तब बड़े इंसिडेंट सुनते थे कि गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, अपनी सर खिड़की में से बाहर निकाल के जरा सा ऐसे हाथ करा, और उसमें एम्प्टी नीडल से पूरा फुल हो जाता था. तो उन्होंने बोला गुरुजी ये ना पट्टा कहीं रास्ते से डलवाएंगे पेट्रोल, और हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने खुद भर दिया, तो तुम उनका पीछा करते रहना, ध्यान रखना, कह रहे तुम और कहीं मत, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बाद में खाना खा लेना, लेकिन तुम उनका पीछा नहीं छोड़ना. ये लोड जी चल दिए वहां से जलंधर से, और इन्होंने रास्ते में सबने पेट्रोल डलवाया, और गुरु जी की कार में तो पेट्रोल डाला ही नहीं गया, और वो भी पीछे पीछे चलता रहा. उसके बाद इमेजिन, उसके बाद ये लोग वहां से वापस भी आ गए, और वापस भी आ गए, और गुरु जी की कार में पेट्रोल नहीं डाला गया, और ये लोग बड़े हैरान, और इन सब की पेट्रोल में एक दो दो बार पेट्रोल डल गया. एंड सो आफ्टर दैट आई थिंक गुरु जी टोल्ड दैट पर्सन कि हुन जाके पेट्रोल पवा ले, यू नो, दिस इज हाउ ही यूज्ड टू डू मिरेकल्स. ऑल्सो एक बार मम्मी डैडी ने सोचा कि गुरु जी ना पटका खुला खुला चोला पहनते हैं, और वो ना प्रसाद कहीं हाथ में या चोले में कहीं छुपाते हैं, और अचानक वो बाहर निकाल देते होंगे. ये उस समय ना बहुत संगत के मन में आता था विचार. तो गुरु जी तो मन की आपकी जान लेते हैं, तो गुरु जी ने क्या किया कि वो तेज तेज अपने चलना शुरू करा, और जोर जोर से अपनी टांगे हाथ हिला हिला के चलना शुरू किया कि आप देख लो, अगर होगा प्रसाद तो नीचे गिर जाएगा. सो देन उसके बाद मम्मी को भी बड़ी शर्म आई कि हमने क्या सोचा, और गुरु जी हमें क्या करके दिखा रहे हैं, यू नो, ये हमारे मन का वहम है. तो अच्छा, फिर यही बात है कि हम लोग आई थिंक इन छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए, और जो एक्चुअल गुरु जी हमें बताना चाहते थे, या हमें जो अच्छे से मेडिटेशन और वो सब करना चाह रहे थे, हम इन चीजों में उलझ के रह जाते थे. बट अनदर थिंग, जैसे हम लोगों को वो छोटा सा एक जैसे जैसे आईडी होता है आपका एक छोटा सा, गुरु जी अक्सर हमें वो छोटा सा एक दे देते थे सबको, विद अपने हाथों से देते थे, और जिसको हम अपने कोट पॉकेट या किसी में लगा सकते थे, जैसे छोटा सा आईडी प्रूफ टाइप, उसमें गुरुजी का वो होता था स्वरूप. वो टचवुड मेरे पास भी अभी बचा हुआ है, विच आई फील वेरी ब्लेस्ड, जो अपने हाथों से गुरुजी बांटते थे. ऑल्सो लोग उनके पास उनके स्वरूप ले जाते थे कि वो गुरुजी अपने हाथों से उस पर साइन करके देते थे. तो एक बार हमारी एनिवर्सरी थी, एंड गुरुजी उस टाइम चंडीगढ़ में थे, तो हम सारे घर वाले ना बड़े बड़े स्वरूप बना के ले रहे थे कि गुरुजी प्लीज इस पे आप ब्लेसिंग्स दे दो. तो आई स्टिल हैव दैट,
इट्स वेरी ब्यूटिफुल आई फील. उन्होंने ग्लिटर से हाइलाइटर से उस पर लिखा हुआ है डॉलीज फैमिली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, यू नो गुरु जी एंड साइंड. सो दीज आर ब्यूटिफुल, यू नो गुरु जी ने हमें, गुरु जी ने एक बार हमें मुझे चोला भी अपना ब्लेस दिया हुआ था पहना हुआ. वो भी कई बार क्या होता था, जैसे वो ड्राई क्लीन होके आए, प्रेस होके आए, तो जैसे संगत में ही यूज टू काइंड ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल. तो एक उन्होंने मेरी तरफ फेंका चोला, विच इज लाइक चोला एंड धोती, यू नो. सो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास हैं. ओके, अनदर थिंग मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब अपना, वी हैव अ साउंड स्टूडियो विच इज नाउ टोटल मल्टी मीडिया, ऑल काइंड ऑफ मीडिया सोल्यूशंस नाउ वी डू, विच माई सन हैज एक्सपेंडेड नाउ. सो उस टाइम जब हमने खोलना था, दिस वॉज अगेन इन 96 की बात रही होगी, 96-97. तो एक बार हम गुरु जी के पास बैठे थे और गुरु जी ने हमें बोला जाओ जाके अपना स्टूडियो खोल लो. अब उस समय सिर्फ दूरदर्शन था, देर वॉज नो इंटरनेट, नो सोशल मीडिया, नो अवेयरनेस. और उस टाइम स्टूडियो का मतलब था एक फोटो स्टूडियो, जो हम आम समझते थे आम भाषा में. उस टाइम ये वर्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वीडियो स्टूडियो वॉज नॉट देयर, यू नो. एंड गुरु जी ने हमको बोला जाओ जाके अपना स्टूडियो खोलो. नाउ क्या था कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के तो स्टूडियो थे, जिसको उन्होंने बहुत चलवा भी दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स होती थी हमारी, कोई म्यूजिक जिंगल्स या उनकी वॉइस ओवर्स, कोई कॉमेंट्रीज चल रही. और किसी और स्टूडियो में हम काम करते थे, वी यूज टू गिव देम ऑल द बिजनेस. सो मैं भी बोलती थी कि शमी जी हमको अपना स्टूडियो खोलना चाहिए, बट माई हस्बैंड वॉज स्कैर्ड ऑफ टेकिंग अ इनिशिएटिव, ऑल्सो फॉर द रीजन कि मैं अगर खोल लूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे. मैंने कहा देखिए ये एक तो है नहीं कि एक स्टूडियो से सारा दिल्ली चलेगा या सारा काम चलेगा, अरे हम अपना कर रहे हैं तो अपना भी तो हमको सोर्स ऑफ एक चाहिए ना इनकम. तो गुरु जी को आपको कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो आपके मन की जानते थे एंड वो करते थे जो आपको आई मीन ही यूज्ड टू ब्लेस अस इन अ वे कि जो जब चाहिए वो तभी ब्लेस करते थे. तो उन्होंने बोला स्टूडियो खोल लो, तो हमने बोला वेरी गुड, Now this is Guruji's indication, you know, that we should do that. अब उस टाइम क्या हुआ कि दिल्ली में एक नॉर्मल एक स्टूडियोज होते थे, बट नो डिजिटल स्टूडियो. डिजिटल वॉज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. तो हम लोगों का आप सोचिए अचानक, ऑल ऑफ अ सडन वी हैड नो वीजा फॉर अमेरिका. हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया अमेरिका का. वो भी क्या हुआ, छुट्टियां हुई तो एवरी छुट्टियों में जैसे बच्चे हम कहीं जाते थे घूमने, तो मैंने बेटी को पढ़ा दिया कि पापा को बोल हम ना इस बार अमेरिका चलते हैं, यूएसए चलते हैं. तो उसने बोला कि कहाँ जाना है छुट्टियों में, उसने बोला पापा यूएसए चलते हैं. कहते अच्छा वीजा तेरा प्यो लड़ाएगा, जैसे हम मजाक में कह देते हैं ना. तो मैंने कहा अच्छा इफ दैट इज अ प्रॉब्लम आई विल गेट द वीजा. उन दिनों में हमको पर्सनली जाके फॉर्म लेके आना पड़ता था, और मैंने अपनी गाड़ी उठाई अपना इमेजिन एम्बेसी जाके वहां से फॉर्म ले आई. With no help, हमने पूरा फॉर्म भरा जितनी हमारी समझ थी कि घर, we had luckily with Guruji's grace we had a house, घर के पेपर्स लड़ाए, शमी जी का वो लड़ाया कि he's a news reader, जो हमको समझ आया हमने वो सारा फिल करके अपना एम्बेसी के बाहर जाके खड़े हो गए. तब हमको क्यू में खड़े होना पड़ता था सुबह सुबह 8 बजे जाके, तो हम लोग वहाँ क्यू में खड़े हो गए और हमारी बारी आई. सो हमको लगा कि बड़ा एक गड़बड़ हो रहा है कि जिसका हर किसी का वीजा रिजेक्ट हो रहा था. तो हमने ये मन से सोचा था, शमी जी ने भी बोला था कि डोंट शो योर इम्पेशेंस, बस जस्ट शो करना कि देना है तो दे दो, नहीं तो छोड़ो, है ना. मतलब ऐसा नहीं शो करना कि हाँ ये दे दो, डोंट बेट. तो हम लोग अंदर गए तो उन्होंने बोला कि जी व्हाई डू यू वांट टू गो, वी सेड जस्ट एज अ टूरिज्म टूरिस्ट वी वांट टू गो. तो बेटे को बोला तुमको क्यों जाना है, ही सेज ओ मुझे तो आई वांट टू गो टू सॉरी वो बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क, मुझे वहां सब जाना है. तो कह रहे हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू, वी सेड वी विल स्पॉन्सर आवरसेल्फ्स. तो उन्होंने बोला अच्छा ओके ग्रांटेड 6 months वीजा. एंड वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि उस दिन क्या हुआ था. उस टाइम 2 दिन पहले इंडिया ने वो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, विच वॉज अ वेरी वेरी सीक्रेट थिंग जिसका यूएसए उनको पता ही नहीं लगा था. एंड वो बड़े बहुत ही खुंदक में थे
कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये बात कैसे नहीं पकड़ी, तो वो हर किसी का वीजा रिजेक्ट कर रहे थे, बल्कि हमारे सामने एक बेचारा स्टूडेंट था उसका भी वीजा रिजेक्ट हो गया और हमारा झट से लग गया 6 months. तो देन वी सेड वेरी वेरी स्ट्रेंज, हमारा वीजा लग गया. खैर हम लोग चले भी गए, चले गए वहां पे. हमारे मन में कोई ये इंटेंशन नहीं था कि हम वहां से कोई रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट खरीदेंगे. शमी जी इज कजन इज देयर इन न्यू जर्सी, तो उसने बोला कि शमी सिंस यू आर इन दिस लाइन, यहाँ पे एक ऑडियो एग्जीबिशन लग रही है बहुत बड़ी, डू यू वांट टू पिक अप सम इक्विपमेंट. तो शमी जी कहने लगे मेरे दिमाग में तो कुछ ऐसा नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, एंड ऑल्सो आई एम नॉट कैरिंग इनफ मनी. ही सेज यू डोंट वरी, यू टेक माई क्रेडिट कार्ड, और तुझे जो चाहिए, एग्जीबिशन लगी हुई है, सेल है, तो यहाँ से उठा ले. तो हमने बोला ठीक है. हमने जी वहां से इक्विपमेंट उठा लिया. नाउ उस जमाने में इक्विपमेंट वॉज वेरी बल्की, अगर मॉनिटर था इट वॉज लाइक अ ह्यूज पूरा टीवी, और सीडी राइटर उस जमाने में एक जैसे एक प्रिंटर होता है आजकल के जमाने में, इतना बड़ा सीडी राइटर होता था, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. हमने बड़ी चीजें उठा ली, स्पीकर्स भी उठा लिए बड़े बड़े, हमने उठा तो लिए. अब हमने सोचा है इनको लेके कैसे जाएंगे, यू नो उस टाइम इवन लिमिट होती थी कि आप इतना ही लेके जा सकते हो, एंड ऑल्सो इतने 1000 का या आप उठा सकते हो सामान, देयर वाज अ वेरी वेरी लिटिल लिमिट, बहुत छोटी थी. तो हमने बोला उठा तो लिए, आप लेके कैसे जाए. उन्होंने बोला इसको आप खोल दो, डोंट टेक अ न्यू पैकिंग, शो के यू आर टेकिंग अ ओल्ड पैकिंग. अब हमने उसको खोल भी दिया, उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल था. कुछ हमने हाथ में उठाया विच वॉज वेरी हैवी, 10-10 किलो हमने हाथ में उठाया, एंड इतने लंबे लंबे एयरपोर्ट से आपको पता है वहां उठा उठा के हमने ले गए. एक जगह पे तो लिटरली दे थ्रू द इक्विपमेंट, व्हाई यू कैरिंग सो मच इन हैंड, तो उन्होंने उसमें डाल दिया. हमने बोला अब टूट गया तो टूट गया, देखी जाएगी. खैर एनीवे हम लोग दिल्ली पहुंचे, एंड वी वर वेरी स्केयर्ड कि अब हम इसको ड्यूटी से बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस टाइम ड्यूटी वॉज वेरी हाई और बहुत कम आपको चीजें अलाउड थी लाना. तो किसी को शमी ने वैसे ही बोला था कि सुनो आप ना थोड़ी कम से कम ड्यूटी लगवा देना, इतना काम कर देना हमारे लिए, कोई कस्टम्स में थे वहां एयरपोर्ट पे. तो हम लोग वहां अपना जी रेड चैनल में खड़े हो गए, रेड चैनल में खड़े हो गए. तो किसी ने हमें आके पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं. हमने बोला हमारे पास इक्विपमेंट है, वी बॉट इट फ्रॉम यूएसए, सो वी आर वेटिंग फॉर द ड्यूटी. तो उसने जी बोला पर क्यों आप खड़े हो यहाँ, इज दिस ऑल यू हैव, वी सेड यस. कहते आप जाओ ग्रीन चैनल में, जस्ट गो आउट, और हम आराम से बाहर निकल के आ गए. एंड उस समय में ये बात हमारे दिमाग में नहीं आई कि ये कौन कर रहे हैं, ये गुरुजी कर रहे हैं जो हमें आके बोल रहे हैं आप चलिए ग्रीन लाइन में, चलिए बाहर आ गए. बाहर आए सीधा हम पूरा इक्विपमेंट उठा के, हम तो यहाँ तक सोच बैठे थे कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा ड्यूटी होगी तो हम वहां छोड़ देंगे, एंड व्हेन वी गेट द इनफ मनी हम अपना ले जाएंगे, और हम वो पूरा उठा के ले आए. अरे ये बातें हमें तब भी दिमाग में नहीं आई, जो बाद में हमको जैसे तो था लेट रिएक्शन, बाद में समझ आती हैं ये बातें. एंड देन वी टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी हम तो ये सारा इक्विपमेंट भी बाहर ले आए, एंड विद गुरुजीज ब्लेसिंग वी सेट अप आवर स्टूडियो इन टचवुड. वी वर द फर्स्ट ऑडियो डिजिटल स्टूडियो इन दिल्ली उस टाइम, उस जमाने में, और वहां पे हमने सबसे पहले गुरुजी की ही भजन की रिकॉर्डिंग्स की. So this was like a huge blessing. Jo Guruji also looked into our source of, you know, income. He secured that. Ki aap sabko takleef nahi honi chahiye. Phir us time hum log jab Guruji ke paas hote the, kai baar Guruji humko jaise last mein chutti dete the. You know, kai baar 8 baje ya 2 baje ya, balki hum Guruji ko dekhte rehte the ki Guruji, kyunki aap apne Guruji ki ijazat ke bina wahan se aa nahi sakte the. कि गुरुजी हमें छुट्टी दे दो, एंड ही वुड नॉट लेट अस गो. सारी संगत चली जाती थी, उठ जाती थी, और हम लोग रह जाते थे एंड में. तो उस टाइम हमें गुरुजी दो बार, बड़ा मंदिर उस टाइम बन रहा था, काफी बन चुका था, दो बार हमको वहां लेके गए थे बड़ा मंदिर, खुद दिखाया उन्होंने. एंड उस टाइम पूरा जनरल बियाबान होता था, दिस रोड, यू नो द एंटायर रोड, अब तो पूरा बैंक्वेट से भरा हुआ है, उस टाइम पूरा जनरल बियाबान होता था, और हमको वो पूरा लीड करते थे, एंड वी यूज टू गो, और तब सारा गुरुजी दिखाते थे ये मेरा यहाँ पे है, ये हॉल है, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे किचन है. एंड ऑल्सो इफ यू नो कि जब आप शिव मूर्ति के पास से जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट में पहले जब आप पीछे कुटिया और उसकी तरफ जाते हैं, तो उससे पहले आप देखेंगे लेफ्ट में एक
नीचे को डिक्लाइन सा है, यू नो दैट इज गुरुजी गैरेज। तो वहां पे गुरुजी अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, और गुरुजी ने दिखाया कि जिस पे गाड़ी खड़ी करते थे इट वाज लाइक अ ह्यूज, जैसे आप सोच लो कि एक पेडेस्टल टाइप था, रिवॉल्विंग थिंग, जैसे वो कह रहे थे इसमें रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको रिवॉल्व करो और गुरुजी की गाड़ी बाहर आ सकती है वहीं से। मतलब उस जमाने में आप सोचिए गुरुजी का फोर्थ थॉट, यू नो कि यू डोंट हैव टू, यू जस्ट एंटर, क्योंकि वो पूरा हॉल के नीचे है ना वो जगह, तो उसमें रिवर्स करने का तो आप कोई तरीका नहीं है। तो इट वॉज लाइक अ पूरी राउंड प्लेट एंड इट यूज टू रिवॉल्व एंड गुरु जी की गाड़ी बाहर निकल आती थी। सो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं गुरु जी ने हमें यू नो अपने साथ जा के सब दिखाया है। फिर जब टेम्परेरली जब गुरु जी का चूल्हा छोड़ गए थे तो हमें लगा कि अरे हमारे तो अब तो कोई कहे नहीं, यू नो, तो टेम्परेरली हमारा थोड़ा कनेक्शन टूट गया था मंदिर जाने का, कि अब तो गुरु जी है नहीं, हम किसके पास जाएं, बिकॉज वी यू नो हम लोग उनको एज अ फिजिकल, यू नो फिजिकली हम जैसे उनको वर्शिप करते थे, तो हमें लगा अब तो कोई रहा नहीं। फिर हमें 2010 में किसी ने घर पे सत्संग करा और उन्होंने हमें बुलाया कि हम पुराने संगत थे कि गुरु जी का सत्संग है, तब भी हमें समझ नहीं आया कि किस गुरु जी की बात कर रहे हैं। दैट इज हाउ वी गॉट कनेक्टेड अगेन एंड देन दे सेड कि नहीं नहीं अरे मंदिर में तो बहुत अभी भी गुरु जी हैं वहां पे और बहुत मिरेकल्स हो रहे हैं, तो आप जरूर जाइए। तो किसी तरह मैं ढूंढ ढूंढ के फर्स्ट टाइम आई केम विद द ड्राइवर 2010 में, एंड देयर बाय फिर आई टोल्ड गुरु जी कि प्लीज गुरु जी अब आप ना, हमने आपका पल्ला छोड़ दिया था, अब आप प्लीज पल्ला मत छोड़िए, अगर हम चाहें भी तो हमारा पल्ला मत छोड़िएगा, हमें अपने साथ जोड़ के रखिएगा। तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स यू नो, एंड गुरु जी ने अपने आप वहां सेवा लगाई, यू नो समाधि में सेवा लगाई, और उस टाइम पे मैं सेवा लेते लेते बहुत घबरा रही थी कि गुरु जी मैं कोई ऐसा कमिट ना करूं कि मैं उसको निभा ना सकूं, यू नो आई वॉज एवरीबडी स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, कि बड़े आप जोश में आप ले तो लेंगे लेकिन उसको पूरा करना इज अ मेजर इशू। तो बाई चांस गुरु जी ने टच वुड इतना मेहर करी कि सेवा ली उन्होंने कि एवरी मंडे आई यूज टू बी देयर, एंड किसी ना किसी सब एडजस्ट होता गया, कहीं बाहर भी जाते थे तो ऐसे दिन चूज करती थी मैं कि मंडे ना बीच में आए, और किसी तरह गुरु जी ने इतनी मेहर करी है, इतनी सेवा करी है कि ऐसे चलता रहा। और जैसे हमने सेवा शुरू करी थी दोबारा से, तो एक मैं और बताना चाहूंगी, मेरा बेटा उस टाइम कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था एंड वी हैड बॉट अ न्यू कार उस टाइम, और रात को ये लोग काफी लेट, रात को क्या ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग, ये लोग हम लोग रहते हैं जहां से हम रहते हैं वहां से कोई 1-1.5 किलोमीटर किसी फ्रेंड के घर ये लोग गए थे, और सुबह सुबह आए एंड ही मेट विद अ टेरिबल एक्सीडेंट, आई मीन वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट, मतलब सो मच सोचिए गाड़ी के एयर बैग्स भी खुल रहे थे, सो आप सोच सकते हो कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा। वो भी क्या हुआ था कि ये जो कूड़ा उठाने वाले ट्रक होते हैं उसके साथ वो ऑपोजिट, इसने एक टर्न लिया अपनी तरफ लेफ्ट, और लेफ्ट साइड टर्न लिया और ऑपोजिट डायरेक्शन से, ऑपोजिट नहीं द सेम साइड जिस तरफ इसने टर्न लिया, एक बड़ा कूड़े का वो ट्रक आ रहा था, एंड वो मतलब उसको बचाने के लिए यू नो ही स्विवल द कार उल्टी डायरेक्शन में ले गया, और उल्टी डायरेक्शन में जाके नेचुरली इट वॉज एट अ स्पीड ही बैंड इनटू अ वॉल, और गाड़ी के जी आप सोचिए कि इट वॉज अ वेरी स्टर्डी कार, इट्स लाइक स्कोडा की गाड़ी, उसका इंजन बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कंसिडर्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके पूरे आप सोचिए कि उसके पूरे चिथड़े उड़ गए, यू नो एंड उन मतलब, और गाड़ियों में आपको ये पता होगा कि उसमें सारा सेंट्रल लॉकिंग होता है, एक बार जब एक्सीडेंट होता है तो लॉकिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है, यू नो लॉक हो जाता है। दे वर टू ऑफ देम, इसका फ्रेंड और ये, और नेचुरली दे वर वेरी बैडली शेकन, इन्होंने दरवाजा खोला और दोनों आराम से निकल रहे, दोनों के दरवाजे खुल रहे, दे जस्ट वॉक्ड आउट, और गाड़ी का इतना बुरा डैमेज हुआ। उसके बाद मैंने कहा ये आई नहीं मैं फोन कर रहा हूँ, तो ये कह रहे आंटी दिशांत आ रहा है, मुझे क्या हुआ, कहते छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज सो शॉक,
एंड आई सेड क्या कहाँ है तेरा वो ना ट्रेन गाड़ी लेके आ रही है. उसने बोला तो मेरा दिल और बैठ गया. आई सेड ट्रेन गाड़ी लेके आ रही है तो विच मीन्स कुछ ज्यादा ही कुछ हुआ है. एंड दीज चिल्ड्रन आप मानेंगे इनको एक स्क्रैच नहीं आया. मतलब वो अंदर से जरूर हिल गए थे, झटका लगा जोर से थोड़ा कंधे वंधे, बट बोथ ऑफ देम दे केम आउट विदाउट अ सिंगल स्क्रैच. और सामने डैशबोर्ड पे गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लगा था. गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, बाकी पूरी गाड़ी 100% डैमेज. एंड इट वॉज अ न्यू कार, लेस देन अ मंथ ओल्ड. आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जब आए हैं वो आसानी से आपको टोटल राइट ऑफ नहीं करते, बिकॉज उनको नुकसान होता है. उन्होंने भी बोल दिया कि दिस कार इज कंप्लीटली रिटन ऑफ, यू नो 100% डैमेज. और हमारा बहुत कम उन्होंने 1 लाख शायद काटा, और देन वी गॉट अ न्यू कार. सो आप ये सोचिए. और मैं इतना डर गई थी, मैं उसके बाद भी मंदिर में गई, गुरु जी को मत्था टेका. सो आई विजुअलाइज्ड, आई टेकोड मत्था और मुझे दिखा के मैं बैठी हूँ, यू नो वी आर, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं एक सोफे पे, पीछे मेरा बेटा और मेरी बहू खड़ी है और साथ में बच्चे खड़े हैं. यू नो आई विजुअलाइज दिस. सो बिकॉज मैं इतना डर गई थी तो गुरु जी ने ये दिखाया कि देख तू डोंट वरी, आई एम विद यू. एंड उस टाइम मेरा बेटा छोटा था, शादी भी नहीं हुई, एवरीथिंग विल गो वेल. यू नो आई सॉ दिस. सो गुरु जी हमारा कैसे कैसे ख्याल रखते हैं और कैसे करते हैं. और जो अनदर थिंग, एक मैं बिल्कुल रिसेंट आपको बात बताती हूँ. हम जहाँ रहते हैं दिल्ली में, आपने सुना नहीं होगा कि मोर ऐसे घूमे. यू नो हम जहाँ रहते हैं, वी आर इन अ कॉलोनी नेम नवजीवन विहार. हमारा जो घर है इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉर्नर, उसके सामने पार्क है और साइड में एक कम्युनिटी सेंटर था जो बंद है. एंड वी आर ऑन द सेकेंड फ्लोर और उसके साथ वी हैव अ कॉलोनी विच इज अबैंडन्ड. उसके तकरीबन घर टूट गया, कोई कोई रहे, तो देर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है. तो जो साथ वाला प्लॉट है उसमें भी पेड़ लगे हुए हैं. वहां पे हमारे 7 7 8 8 मोर आते हैं रोज रोज आते हैं, डांस करते हैं. इट इज सच अ ब्यूटिफुल साइट. आप ये सोचिए कि पहले 2 आते थे, उसके बाद शायद वो कहीं चले गए. अभी क्या हुआ है, कोई मोर ने शायद बच्चे दिए, सो वी हैव 8 ऑफ देम और छोटे छोटे बच्चे हैं और बुलाते हैं हमें आके, बिल्कुल हमारे ऐसे. आई विश आई कुड शो यू दैट. वो आके बिल्कुल हमारा जो लॉबी है उसका शीशा खुलता है बाहर की तरफ और साथ में उस घर का ऑलमोस्ट छत लगती है, वहां पे आके बैठ के अंदर देखते रहते हैं और हम उनको मटका और ये सब डालते हैं. एंड वी हैव सीन देम ग्रो, पूरे बड़े हो गए. आज सुबह भी 3 इकट्ठे मिलके डांस कर रहे थे. मतलब आपको लगता है कि माय गॉड गुरु जी आपके चारों तरफ हैं, अनसंग हैं. और इतना ब्यूटीफुल साइट है और हमारी कॉलोनी में किसी के घर के आगे ऐसे नहीं है. और मैं रोज मैसेज डालती हूँ कॉलोनी में, एवरीबडी फील्स ओ यू आर सो ब्लेस्ड. और अब पूरे बड़े हो चुकी हैं और हम उनको दाना डालते हैं, अगर नहीं डाले तो फिर जोर जोर से आवाजें मारते हैं, आवाज के हमें खाना दो. यू नो एंड ऑल्सो विद गुरु जीज ब्लेसिंग आई टेल यू, दिस इज अ वेरी वेरी रिसेंट थिंग कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं, घर पुराना बना हुआ है, अपना घर हमने बहुत बार रेनोवेट कर दिया है, बट फॉर सम रीजन हम लोग बड़ी देर से कन्विंस कर रहे थे अपने ग्राउंड फ्लोर पे कोई और रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहता है, कि हम पूरा तोड़ के नया बिल्डिंग करते हैं, विल हैव अ लिफ्ट ऑल्सो, नई कंस्ट्रक्शन होगी, पूरा कुछ पुराना हो चुका है, सो वी नीड टू रेनोवेट द होल थिंग. वो हम उनको 10 सालों से कन्विंस कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं. हमने इतनी बार उनको ये भी बोला ठीक है हम आपके लिए बना देते हैं, तब भी वो माने नहीं, तब भी दे वर बीइंग वेरी सेल्फिश कि हमें आप टेरेस भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, घर भी बना दो, आप हमारे बेसमेंट बनाएंगे, आप रहेंगे, हम आप नहीं लेंगे, आप टेरेस राइट्स भी हमें देंगे, बट कुछ हमारा हो नहीं रहा था. तो फिर हम काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे तो हमने इधर उधर देखना शुरू करा. काफी देर से हम देख रहे थे, वी वेंट अप टू गुड़गांव, वी ऑल्सो थॉट के हम कोई फार्म हाउस ले लेते हैं, फिर किसी ने बोला फार्म हाउस मत लेना इट इज इलीगल. मतलब यहाँ तक हुआ कि एक दो बार हमारा लिटरली हाथ में पैसे लेके गए. यू नो एक पूरा हमारा होने वाली थी डील एंड लास्ट मिनट वो बंदा ही मुकर लिया कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था आपको, इतना तो बोला ही नहीं था.
ऐसे चर्चे, फिर हमने कितने घर यहाँ भी देखे आसपास, कहीं नहीं हुआ, और कॉलोनी में घर बन रहे थे, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ आवर बजट, कि हम इसको बेच के भी और भी डाल के भी, इट वाज लाइक वी कुड ओनली गेट वन फ्लोर, वी वांटेड टू फ्लोर्स, हियर वी हैव टू फ्लोर्स। सो आप ये देखिए कि हमने सोचा, कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, ह्यूमन बींग है हम, यू नो, हम सोचते हैं लाइक गुरु जी हमारा कोई कर ही नहीं रहे, गुरु जी देखते नहीं है, हम इतनी तकलीफ में, हम इतनी टेंशन में, गुरु जी कुछ कर ही नहीं रहे। पर वही है ना कि जो जो होना है, जब जब होना है, वो सब गुरु जी के हाथ में है। यू नो, जैसे अंकल ने शुरू में शब्द भी आज वही लगाया, जो जो तेरा हुक्म है तिवे तिवे होवना। तो जो चीज हमको जब मिलनी है तभी मिलेगी, और हमारा किसमें अच्छाई है, हमको उस टाइम लग रहा है कि ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमारे लिए इवेंचुअली अच्छा नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा बिल्कुल साथ वाला घर है, इमिजिएटली नेक्स्ट डोर, मतलब बिल्कुल ही साथ वाला जुड़ा हुआ छत, उससे हमारी बात हुई कोविड से पहले कि आप कभी अकेले रहते थे वो टॉप फ्लोर, वी सेड अगर आप कभी बेचना चाहें तो आप हमें पूछ लीजिएगा। उसने बोला हाँ हाँ मैं देना चाह रहा हूँ। उसके बाद कोविड आ गया, देन ही सेज कि नहीं अरे अब तो कोविड आ गया, मैं कहाँ जाऊंगा, तो अभी आई एम नॉट, आप कहीं और देख लो। कोविड निकल गया एंड देन अगेन, यू नो, आई डोंट नो हाउ, हम सब देख के थक चुके थे घर ढूंढ ढूंढ के। तो हमने उससे दोबारा बात की, कहता हाँ हाँ आई वॉन्ट टू गिव। आप सोचिए कि गुरु जी ने हमें पूरा दिल्ली गुड़गांव सब घुमा दिया, 7-8 महीने हम लगे रहे, हमारा कहीं डील नहीं बना। अल्टीमेटली वॉट वॉज बेस्ट फॉर अस, कि हमारा इमीडिएट नेबर वो मांग गया ठीक है आप ले लो, हमारी छत आपस में मिलती है, सो हमारे बच्चे भी साथ में है, वी आर इंडिपेंडेंट एंड देर इज अ लिफ्ट देयर, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी न्यू हाउस बट इट हैज अ लिफ्ट विच वी कैन रेनोवेट। तो आप सोचिए कि गुरु जी ने ये प्लान किया हुआ था हमारे लिए कि हमें यही मिलना है, और अब हम जैसे कह सकते हैं गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। सो गुरु जी ही करने वाले हैं, गुरु जी के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं, और हम इसीलिए सभी संगत को सभी को हमको ब्लेस किया हुआ है गुरु जी ने, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, और मैं हमेशा यही चाहूंगी कि हम सब पे गुरु जी का हमेशा ब्लेसिंग बनी रहे, और उनका हमेशा हम आभार प्रकट करते हैं कि अपनी छोटी सी नजर, छोटी सी तुच्छ भर नजर सारी संगत पे डालें और सबका कल्याण करें। सो आई थिंक आई विल एंड माय सत्संग, एक छोटी सी भेंट मैं गुरु जी के लिए छोटा सा गा देती हूँ विदाउट म्यूजिक ऑफ कोर्स। दिस इज माय ट्रिब्यूट टू गुरु जी। आंटी आपकी आवाज बहुत कम है। ओके, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें